और नमस्कार एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कुछ आज अलग हटके खबर है। लगातार आपने हमारे खबरों में देखा होगा, टाइटल में भी देखा होगा, वर्दी उतरवा देंगे। सही सुन रहे हैं आप। इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए यह एक संदेश है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन अब नहीं करेंगे तो आपको भी पड़ेगा बहुत महंगा। ये क्यों कह रहे हैं हम, आइए सुनते हैं एक ऑटो वाले की ही जुबानी, जो 2021 से गलतियां करते हुए 2023 तक आ गए, लेकिन सभी जुर्माना इन्हें एक बार अब चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि आपके भी गाड़ी का यदि चालान कटा है तो अब एक चालान भरने से आपकी गाड़ी नहीं छूटने वाली है, पूरा का पूरा फाइन आपको अब एक साथ भरना पड़ेगा। हम फिर से वही कहेंगे, माने ना माने आपकी मर्जी, क्योंकि नुकसान आपका होगा। हमारा काम है आपको अवेयर करना। सचेत रहेंगे तो इन परेशानियों से आप जरूर बचेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। काउंटर पे एक ऑटो वाले भाई साहब पहुंचे हुए हैं, काफी इनके हाथों में पेपर का ये पुलिंदा दिख रहा है। थोड़ा क्या है, थोड़ा गिनती पहले कीजिए, गिनती कै गो ये पुलिंदा है, गिनिए तक बार। एक दो तीन, तेरह गो। हाँ जी, तो मतलब 13 बार गलती किए हैं। गलती क्या कर रहे सवारी सर, तो कितना रुपया फाइन भरे, अब जोड़ेंगे तब ना। एक का फाइन कितना है, 150। 150 तब 13 × 1.5 है ना। हाँ जी, 13 × 1.5 ठीक है। और इतना ये जो फाइन कटा, ये कितने दिन का फाइन है, आपको क्या पता, अब डेट लिखेंगे तब ना। कितने दिन का है सर, तो 2021 से अब तक आपने 13 बार गलती किया और 13 बार का एक बार फाइन देना पड़ गया। आप तो दिए तो सर, दे दिए। तो ये नया आदेश जो आया है, आप लोगों को पता है ना कि जब तक आप पुराना फाइन नहीं भरिएगा गाड़ी नहीं छूटेगा। ठीक है, देंगे सर, देंगे। बाकी लोगों को क्या कहिएगा, ठीक है आपकी जो गलती है वो हम लोग भी देखते हैं। हालांकि हम लोग भी आप लोगों को समझाते हैं कि थोड़ा सा आप लोग किनारे कर लीजिए, 4 लाइन 5 लाइन मत लगाइए, लेकिन लोग सुनता नहीं है। अब आज तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर शहर में अगर जगह मिलेगा ऑटो हम लोग का साइड में करने का, तभी ना सर, साइड में जगह तो मिलता ना, तो लगावे कहाँ पे। शहर में जगह नहीं मिल रहा है आपको, जगह नहीं मतलब पार्किंग नहीं मिल रहा ना हम लोग का, कहाँ पर सवारी उतारे का। ये हमने भी माननीय मंत्री से कहा है कि ऑटो वालों का स्टैंड दिया जाए, लेकिन एसपी साहब का कहना है जहां जगह मिलता है साइड में देख करके रोकिए, बीच में 4 लाइन मत लगाइए, लोगों को डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। वो तो होता हुआ अब दिख रहा है, सवारी तो बकाया हुए रहता है सर कि यहीं पर उतार दो, यहीं पे उतार दो। सवारी के चक्कर में आपका लॉस हो रहा है कि नहीं, तब तो सर सहने पड़ रहा है, हमें रुकना है। तो सवारी को समझाइएगा ना कि बीच में ही रोकेंगे। नहीं समझता, आप लोग ऑटो बढ़िया से ना चलाते हैं का जी, है ना, है तो आप सवारी के मन से चलिएगा कि अपने मन से चलिएगा। अरे सर, सवारी का मन से चलेंगे तो दूसरा ऑटो वाला उठा लेगा सवारी पीछे से, तो ये फाइन भरना अच्छा है। आदत कौन लगाया, आप ही लोग लगाए। हाँ, हम लोग ऑटो वाले की गलती है। सवारी का आदत कौन खराब किया, ऑटो वाले में खराब किया, खराब किया ना। हाँ। तो ये भुगतना तो ऑटो वालों को पड़ रहा है जी। तो ये क्या एक यहाँ से संदेश क्या जा रहा है, सुधारेगा कौन, आप ही लोग ना। सुधार तो करेंगे हम लोग, सुधार करेंगे। अब जो पहुंच वाले लोग होते हैं, जब अनमन होता है जवानों के साथ, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ, अब ये गलती किसकी होती है ये तो जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। यदि कैमरे में कैद हो गया तो ठीक है, बातें सामने आ गई कि गलती किसकी थी, और यदि कैमरे में कैद नहीं हुआ तो फिर ये संशय का विषय बन जाता है, आखिर गलती पहले किसकी थी। राजधानी रांची में अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझना पड़ेगा महंगा। ट्रैफिक पुलिस के जवान अब अत्याधुनिक कैमरे से रहेंगे लैस। जी सही सुना आपने। आपको बता दें, आए दिन राजधानी रांची के चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और आम पब्लिक के बीच कहासुनी की घटना सुनने को मिल जाती है। इसको देखते हुए रांची के ट्रैफिक एसपी ने अपने जवानों और अधिकारियों को शरीर में लगने वाले कैमरे से लैस कर दिया है। इससे ट्रैफिक पुलिस और आम व्यक्ति के बीच हुई कहासुनी को वरीय अधिकारी देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोकर चौक में, और आप देख सकते हैं एक तरफ वायरलेस है तो वहीं दूसरे तरफ एक आपको ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये कैमरा है और ये फुल HD हाईटेक कैमरा है। कई चीज़ें इसमें हैं जो कभी झंझट होती है या किसी से बहस हो गया या गाड़ी जब पकड़ा गया तब क्या कुछ हुआ, ऐसे कई सबूत ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। तो उसको दूर करने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी हरीश जमा ने आज सभी चौकों पे तकरीबन 2-2 कैमरे पदाधिकारी को और जवान को मुहैया करा दिया है।
तो वहीं रांची के ट्रैफिक एसपी के यातायात सुधार के प्रयास को नगर निगम पानी फेरता हुआ देख रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, लगातार रांची के ट्रैफिक एसपी सभी सड़कों पर यातायात में सुधार को लेकर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही लोहे के बुलाड को लगाने का आदेश दिया था। मेटेलिक बुलाड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां से फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया जा रहा है, वहां पे मेटल के बुलाड लगाने की बात हुई थी कि दोबारा वहां पे कोई फिर से कब्जा न कर पाए। लेकिन जीता जागता उदाहरण मेन रोड में आप साफ देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के द्वारा ठेला खोचा तो हटा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां से हटते हैं, स्थिति फिर जस की तस हो जाती है। चाहे वो मेन रोड हो या कचहरी से रातू रोड जाने वाले मार्ग में भी वही स्थिति है। लेकिन यह बुलाड कब तक लगेंगे, लगेगा भी नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। कोकर डिक्शनरी पुल के समीप बांस और बल्ली से नगर निगम ने घेर कर खानापूर्ति कर दिया। सही सुना आपने, तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें G20 को लेकर, नगर निगम ने जो फुर्ती दिखाई थी, सारी की सारी फुर्ती न जाने कहां गुम हो गई है। एक बार फिर से राजधानी की सड़कें अवैध कब्जे से सकड़ी होती जा रही है। ऐसे में अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं करती है तो जाम लगना कभी बंद नहीं होगा। साथ ही आपको बताते चले, हमारे कई खबरों के माध्यम से आपने देखा रांची के एसपी विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते दिखे थे। जीता जागता उदाहरण काटा टोली, किशोर यादव चौक, तो वहीं बहू बाजार चौक। यदि हम काटा टोली की बात करें तो कई महीनों से ब्रिज के निर्माण के चलते यातायात बाधित था। अब तस्वीरों में देखें, अब हद तक सुधार देखने को मिला। जहां काम हो चुका है वहां बैरिकेडिंग को हटा दिया गया, तो वहीं गड्ढों को भी हमने दिखाया था जिस पर रांची के ट्रैफिक एसपी बिफरते नजर आए थे, उन गड्ढों को भी तकरीबन भर दिया गया है और सड़कें लगभग समतल सी हो गई हैं, तो कुछ सड़कों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो यदि हम बहु बाजार चौक की बात करें, जहां पे वन वे कर दिया गया था, उसे भी खोलने की बात कही गई थी, तो वो भी अब खोल दिया गया है। वहां भी जाम में हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से हम वही कहेंगे, जब तक इस पर निगरानी कोई नहीं रखेगा, स्थिति फिर जस की तस हो जाएगी और रांची वासी जाम के जाम में उलझते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, कब तक ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के सहारे हम चलते रहेंगे। तो वही आपको हम बताते चले, नगर निगम की यदि बातें आ रही है तो यह भी कहना उचित होगा, कुछ महीना पूर्व फुटपाथ दुकानदारों के लिए जगह का तलाश किया जा रहा था। पता नहीं वो तलाश कब तक चलेगा, ये अब तक मालूम नहीं चल रहा है। जो फुटपाथ दुकानदार अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें कहीं भी सुनिश्चित जगह नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें मिल गया सिन्हें मिल गया, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो अभी भी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है। लेकिन यहाँ पे उन ठेला खोमचा वालों को भी हम कहेंगे कि कई लोग जब कार्रवाई होती है तो यह कहते नजर आते हैं कि साहब हम कहाँ जाएं, गरीब आदमी है, रोजी रोटी का सवाल है। तो यहाँ यह कहना जरूरी भी है, क्योंकि सड़क किनारे ऑलरेडी जगह रहता है, जगह रहते हुए भी ठेला खोमचा वाले बीच में लगा देते हैं, कभी आधा सड़क को कवर कर लेते हैं और अपना व्यापार करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। तो आप अपने दायरे में रहेंगे तो हमें जहां तक लगता है कि आपको, चाहे वो नगर निगम की टीम हो या पुलिसकर्मी हो, आपको परेशान शायद नहीं करेंगे। दायरे में रहें और दो लाइन फिर से कहेंगे, जियो और जीने दो, क्योंकि आपके चलते स्कूल बस और एम्बुलेंस जाम में फंसता है, जिसका खामियाजा आपको कार्रवाई के रूप में चुकाना पड़ता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक रांची नगर निगम टीम की आंखें फिर से खुलती है। आइए सुनते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने क्या कुछ कहा है, तो वहीं फुटपाथ दुकानदारों के लिए भी कही है बड़ी बात और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले फिर से हो जाए सावधान। आइए सुनते हैं रांची के ट्रैफिक एसपी को। देखिए, अभी बॉडी वॉन कैमराज जो है हमने पूरे ट्रैफिक के जवानों को और ऑफिसर्स को दिया है, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। इस कैमरा से दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि जो भी ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ कुछ लोग बार बार उलझ जाते हैं, ऐसा प्रायः देखा जाता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल भी किसी चीज़ की शिकायत करते हैं, कुछ लोगों की शिकायत लोग भी आके करते हैं, तो दोनों तरफ की जो शिकायत है उसको वेरीफाई करने का ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है बॉडी वॉन कैमरा। जो भी होगा वो उसमें रिकॉर्ड होगा, उसको हम लोग यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। और लेजर लाइट की भी कुछ बात चल रही है, लेजर कैमरा क्या है वो? देखिए, जो हम लोगों ने देखा है कि रांची ज़िले में जो भी ब्लैक स्पॉट्स का एरिया है, जो या जो अन्य एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो रहा है, वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहा है,
ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए हमने जो प्रावधान अभी जो निकाला है नया प्रावधान, वो मुख्यालय के द्वारा दिए गए 2 लेज़र गन्स हैं जिसको हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है फिलहाल। उसको गाड़ी पे माउंट करके वेरिएबल रखा जाता है, मतलब ये कि किसी एक स्टैटिक जगह पर कार्रवाई नहीं होगी, कहीं पे भी घूम के वो कार्रवाई करेगा। उसमें एक स्पीड लिमिट फिक्स किया जाता है, यदि कोई भी गाड़ी उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा है तो उसको चालान किया जाएगा। कुछ और लोगों ने भी हमें ये आके बताया गया है, कभी कभी उस पर हम लोग अभियान चला भी रहे हैं, आगे आप ये निश्चिंत रहिए उस पर हम लोग सुचारू रूप से अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। फुटपाथ दुकानदारों को लगातार कई लोग कह रहे हैं, हालांकि कई लोग कह रहे हैं तो काम ट्रैफिक पुलिस अच्छी कर रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि गरीब परेशान हो रहे हैं, ये उनको उजाड़ा जा रहा है। देखिए, ये मुझे लगता है कि एक पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया और जो नियम बने गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उस नियम का पालन करने के बाद ही नगर निगम के साथ जॉइंटली जवान जो हमारे ट्रैफिक के हैं और जो बाकी नॉर्मल थाना के भी जो जवान हैं, उन लोगों ने मिलकर ये कार्रवाई किया गया है। तो आई एम श्योर कि नगर निगम ने पूरा ड्यू प्रोसेस से उसको फॉलो किया है, फॉलो करने के बाद ही किया जा रहा है। जहाँ तक गरीब लोगों को जानने की बात है, तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसके लिए आई एम श्योर कि जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनको वो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। मैं श्योर हूँ कि उस बात का संज्ञान सरकार जरूर लेगी और उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और सर, एक महीने का जो टारगेट दिया गया था कि उस पे दो दिन पहले रिव्यू भी, समीक्षा बैठक भी हुई थी, क्या कुछ निर्णय इस पर सामने आया? देखिए, जो हम लोगों ने टारगेट्स लिया था वो सारे टारगेट्स पे काम हुआ है, सब पे प्रगति हुई है। कहीं कहीं पर से इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हटाए गए हैं, कहीं कहीं पर से जो वेंडर्स थे उनको हटाया गया है जिससे रोड में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट करने की जो बात थी वो भी किया गया है। कुछ टारगेट जो थे जो थोड़े बहुत मीट नहीं हुए, उस पर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उन पे भी कार्रवाई पूरी हो। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।